चलिए एक्स से इसको ओपन करेंगे। अपनी फाइल का नाम था कंप्यूटर, इसको पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डेटा आ जाएगा पूरा। तो अपन ने यहाँ पे फॉर्म 2 को डिजाइन किया था इस टाइप से, ठीक है। तो आ गया आपका डेटा। अब जैसे ये फील्ड को आपको सेंटर में लाना है ना, कल पूछा था आप सभी ने, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे सबसे पहले और डिजाइन व्यू आप यहाँ से करेंगे ना, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पे जाके नहीं आप सेंटर में करना है तो बीच में आ जाएंगी आपकी फील्ड। और लेफ्ट साइड करना तो ये कर ले, पर अपन सेंटर में कर देते हैं। फिर आप इस पर राइट क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म व्यू में देखेंगे कहाँ गया फॉर्म व्यू, ये तो आपको बीच में मिल जाएंगे। और लेफ्ट साइड करके रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा आपको ये सेंटर में करने के लिए, लेफ्ट राइट साइड करने के लिए टेक्स्ट को। तो इतना आ गया था क्या, जितना हमने बताया था आप सभी को, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं जो भी आपको देखनी है इस टाइप से। और न्यू एंट्री करनी हो तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, वो भी आ गया था। अब आपको फॉर्म में जो भी नहीं आया हो अभी तक वो पूछिए, फिर हम आगे बताएंगे। बटन देना बता दें, ठीक है। अपन यहाँ पे फॉर्म 1 ओपन करते हैं। फॉर्म 1 में अपन ने बटन्स नहीं दी हैं, 2 में दे दी तो अपन डिलीट करेंगे उन्हें, फिर दोबारा देंगे। इससे अच्छा अपन फॉर्म 2 1 में सीखते हैं। तो फॉर्म 2 को अपन इस पर राइट क्लिक करके क्लोज कर देते हैं। अब ये जो फॉर्म 1 है इसमें आपको नीचे बटन्स देनी है, तो आप यहाँ पे बटन देने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्म में डिजाइन व्यू में लेंगे फॉर्म को। तो डिजाइन व्यू में कैसे लेंगे, फॉर्म पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से आ रहा है डिजाइन व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा फॉर्म। तो आप यहाँ पे कंट्रोल्स देखेंगे, फॉर्म पे ये कंट्रोल्स होते हैं। आप यहाँ से ये एक्स एक्स टाइप का है, इसको बोलते हैं बटन, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आपको जहां कहीं भी बटन लेना है वहां पे आप नॉर्मली माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या आप ड्रैग भी कर सकते हैं, जितनी बड़ी बटन लेनी हो जितनी छोटी लेनी हो आपको, तो ड्रैग करेंगे उतने एरिया में आपकी बटन आ जाएगी फिर, या फिर नॉर्मली आप क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको बटन लेनी है, यहाँ पे फाइंड रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ से क्या बटन लेनी है। तो अपन यहाँ पे लेते थे प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट। फिर आपको यहाँ पे ये पिक्चर सेलेक्ट है भी आपका ऑप्शन, पिक्चर शो करानी है तो यहाँ से आप ये पिक्चर का ऑप्शन ले सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे। और अगर टेक्स्ट लिखा हुआ लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट ले लेंगे, अपन इस बार टेक्स्ट लेते हैं। और ये रिकॉर्ड हटा देते क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अपन ऑनली प्रीवियस लिखा रहने देते हैं, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे आगे प्रीवियस लिखा हुआ। इसके बाद फिर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट लेना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट ले लेंगे। हाँ, फिर आप अगर आप बटन नहीं लेंगे तो फिर आपको कितनी देर में वर्क कर पाएंगे आप सोचिए, क्योंकि आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म में पूरी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, फिर आप फॉर्म पे राइट क्लिक करेंगे, फिर उस शो को सेव करेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस तो चलो आप यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे भी आती है ना आपकी बटन, ये पहले से लगी हुई देते हैं। वो यहाँ से आपको नहीं देना नेक्स्ट प्रीवियस की तो आप नहीं दे सकते, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन आपका फाइंड हुआ, सेव रिकॉर्ड हुआ, प्रिंट रिकॉर्ड हुआ, इनको तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं रहती है इसलिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, फिर आपको जैसा यूज लगे। और यहाँ पे अपन एक और दे देते हैं सेव की। अब यहाँ पे फाइंड है, फाइंड की नहीं ले रहे अपन, अपन यहाँ पे नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव रिकॉर्ड ले लेते हैं। उसका भी अपन यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट फिनिश, और इसको अपन एंटर में करके रख लेते हैं। इस टाइम आ गया। अब आप क्या करेंगे, फॉर्म पर राइट क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करके फॉर्म व्यू में देखेंगे, तो इस टाइप से आ जाएगा। अब आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो ये बटन्स नहीं आते हैं आपके प्रिंट पे, ओनली जितनी आपने फील्ड्स ली है ना वही आएंगी ओनली, ठीक है। तो पिक्चर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फिर अपन। हाँ, तो हो जाएगा, देखिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या लेंगे आप, डिजाइन व्यू। अब जैसे ये है तो
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब इसको पूरा बैक ले जाएं, आपको इसमें क्या करना रहेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे आप बटन, तो आप यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ से आप दोबारा से देंगे इसमें, ऐसा नहीं कि आप इसी को चेंज कर दें। हाँ, और इसमें रिप्लेस की बटन दे देंगे ना आप, तो वो एंट्री रिप्लेस के लिए रहेगा, लेकिन तो इस टाइप से बटन आ जाएगी आपकी, बटन ऑप्शन लेंगे तो ठीक है, तो आ जाएगा बटन देना सभी स्टूडेंट्स को। अब जैसे आप सभी स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होंगे कि अपन डिजाइन व्यू से तो क्या करते हैं, फॉर्म को डिजाइन करते हैं, फॉर्म व्यू से फॉर्म को देखते हैं, लेआउट व्यू से क्या करते हैं फॉर्म में, लेआउट व्यू से आप उसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो फील्ड है उन्हें आप मूव कर सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ज्यादा फील्ड है, सॉरी पास पास फील्ड है, उन्हें दूर कर देंगे, ज्यादा दूर है तो आप उन्हें पास पास कर देंगे, तो आप वो कर सकते हैं उन फील्ड्स में, तो अपन करना सीखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म को पहले किस में लेंगे, राइट क्लिक करके लेआउट व्यू में, ठीक है, तो ये लेआउट व्यू में आ जाएगा, जैसा आपका फॉर्म शो होता है ना उस टाइप से ये लेआउट व्यू में रहेगा आपका। देखिए हमें यहाँ पे कुछ टाइप करा लेकिन टाइप नहीं हो रहा, ये आईडी में क्लिक है आपका, क्योंकि ये लेआउट व्यू में है। आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए साइज बड़ा हो जाएगा, हो गया, छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ, लेकिन इस डॉट सॉरी बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके जाना पड़ेगा आपको, और फिर यहाँ से आप इसका कम करना चाहते हैं तो कम कर देंगे, तो इस टाइप से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब ये थोड़ा स्पेस ज्यादा है यहाँ पे लोगों के पास में, तो लोगों पे आप क्लिक करेंगे और इसको मूव कर लेंगे, एरो की से भी कर सकते हैं आप या माउस से भी कर सकते हैं। तो आ जाएगा इस टाइप से, एंड इन फील्ड्स को कहीं और मूव करना हो तो आप उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, डाउन करते जाएंगे तो नीचे आती जाएगी, अप करेंगे तो ऊपर जाती जाएगी, लेकिन आप याद रखना ये दोनों एक साथ सेलेक्ट होनी चाहिए, अगर दोनों एक साथ करना चाहते, एक सेलेक्ट होगी तो एक मूव होगी फिर आपकी उसमें, इसको उसको हाँ कर सकते हैं, पर वो इसके ऊपर आएगा फिर आपका, वो नहीं पीछे लिखा रहता है। हाँ, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, पहले इसको सेव कर देते हैं अपन, अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में लेंगे, जैसे ये फोटो है तो इस फोटो का आप साइज बड़ा करना और जैसे छोटा करना, ठीक है, तो आप इसको कहाँ नीचे लिखना चाहते हैं, ऊपर लिखना चाहते हैं, या इसके पीछे लिखना चाहते हैं, किसी किसी में नीचे भी लिखा रहता है, किसी किसी में पीछे भी लिखा रहता है, आप सभी जो डीसी पीजीडीसी के फॉर्म फिल करते हैं उसमें नीचे आता है लिखा हुआ हस्ताक्षर से लिखा रहता है, अभी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा, जिन्होंने नहीं किए हैं वो, तो उसमें नीचे रहता है, नीचे देना है तो आप नीचे दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसी के पीछे देना चाहते हैं ना, तो इस टाइप से आपको इसका साइज इसमें एडजस्ट करना रहेगा। फोटो हाँ बैक स्पेस करके रिमूव करना है तो रिमूव कर देंगे आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे फॉर्म व्यू में देखेंगे, तो देख रहे हैं आप इस टाइप से आएगा फिर वो आपका, तो हो रहा है। अब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से किस में लेंगे, डिजाइन व्यू में, अब अगर आपको इसको डिलीट ही करना है तो पहले तो आप इसको अलग करेंगे, देखिए ये आ गया, अब आप इस पे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगा और यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। और एक बात और, हम कंट्रोल जेड करते हैं, नहीं कंट्रोल जेड नहीं करते, अपन पहले इसको राइट क्लिक करके सेव कर देते हैं, फिर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्म व्यू में देखेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है आप नॉर्मली, अब आप जब फील्ड को सेलेक्ट करते हैं तो एक डॉट आता है आपका अलग कलर में, ध्यान दिया आपने, हम बताते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे आप और डिजाइन व्यू में लेंगे, ये आ रहा है साइड में आ रहा है, इससे आप यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो यहाँ से भी आप फील्ड को मूव करते हैं, इस डॉट पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो इससे आप एक फील्ड को भी मूव कर सकते हैं, अभी क्या होगा ये दोनों एक साथ होंगे आपके, देखिए दोनों एक साथ हो रहे हैं, अपन ने आईडी को किया तो ये वाली आईडी भी मूव हो गई और ये वाली आईडी भी मूव हो गई, दोनों ही है, लेकिन अपन ने सेलेक्ट तो एक को किया था, आ रहा है ना समझ,
अब अपन कंट्रोल जेड करते हैं। अब आपको एक ही आईडी को मूव करना था।